अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सो के सब ठीक ठाक होंगे जी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग जो हैं, जब भी एज अ ब्रांड पार्टनर, एज अ बिजनेस पार्टनर ज्वाइनिंग लेते हैं, तो आपने कंटेंट अपना कैसे बनाना होता है। क्योंकि जब भी हम ज्वाइनिंग लेते हैं तो हम इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे होते हैं, तो हम किसी का कंटेंट, किसी की भी डील्स, किसी की भी एड्स को उठा के अपने सोशल मीडिया जो भी हम हैंडल्स यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कह लें व्हाट्सएप हो, आप नहीं शेयर कर सकते। एक तो ये टोटली अनएथिकल लगता है, अनप्रोफेशनल है। दूसरा ये कि आपको फिर मार्केट में आपकी डिमांड नहीं होती। वो लोग क्या करते हैं, उनका लोगो, उनके फ़ोन नंबर वहाँ पे लिखे होते हैं, मेंशन होते हैं, वो डायरेक्टली ना कस्टमर्स हो चाहे मेंबर्स हो, वो वहाँ पे उनको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। आपको कोई भी ऑडियंस जो है वो रीच आउट नहीं करती। तो उसके बाद आप लोग बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं, स्पेशली जितने भी आप यकीन करें न्यू मेम्बर्स जो कि आके कहते हैं कि ओरिफ्लेम में हम काम नहीं कर पाए और वो छोड़ के गए होते हैं। वो क्यों डिफ़ॉल्टर बनते हैं? क्योंकि उनको काम की समझ नहीं आती, उनको कंटेंट बनाना नहीं आता, उनको डील्स बनानी नहीं आती, उनको ऑडियंस को अट्रैक्ट करना नहीं आता अपनी तरफ। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी, चाहे वो आपने इंस्टाग्राम की कोई प्रमोशन करनी हो, उसके लिए आप कौन कौन से, वैसे तो देर आर सो मैनी यू नो ऐप्स जो कि यूज़ होती हैं एडिटिंग के लिए, बट जो मैं मोस्ट कॉमनली यूज़ करती हूँ वो उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। अब यहाँ पे टास्क बार में देखें, सबसे नीचे यहाँ पे व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम की दोनों ऐप्स के दरमियान में जो पड़ी हुई है ना एक ऐप, इसका नाम है लोगो मेकर। आप इसको, इसका आइकन अच्छे से देख लें, इसको आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे ना प्ले स्टोर पे, तो आप ये किसी भी एंड्रॉयड में डाउनलोड हो जाएगी, एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है। अब इस पर क्लिक करूँगी। अब ये जो ऐप है ये तभी यूज़ होती है जब आप ऑनलाइन होते हो, मीन्स कि आप अपनी वाईफाई या फिर डाटा यूज़ कर रहे होते हो। अगर आप ऑफलाइन हो तो आप इस ऐप को यूज़ नहीं कर सकते। ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है लोगो बनाने के लिए। अच्छा, अब मैंने लोगो को क्यों प्रेफरेंस दी? अब यहाँ पे देखिए, सारे देयर सो मैनी यू नो लोगोज, आप जिस हिसाब से करना चाह रहे हैं, जैसे किसी ने टेक्नोलॉजी के बारे में करना हो, मॉडर्न फ्लोरल, जिस तरह का आपका काम है। अब जैसे हमारा ब्यूटी फैशन से रिलेटेड है, तो हम वैसा जो है वो कोई लोगो फाइंड आउट करके इंशाल्लाह उस पे जो है वो लोगो बनाएंगे। तो लोगो बनाने का मकसद क्या होता है कि आपको आपकी अपनी एक पहचान हो आपके सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, कहीं पे भी, ठीक है। तो जैसे मैं हूँ, मेरा सोशल मीडिया का जो सॉरी इंस्टाग्राम का जो मेरा अकाउंट है या प्रोफाइल है, उसका नेम है मरियम नूर ऑफिशियल। अब ये देखिए यहाँ पर मुझे मिल गया है फैशन एंड ब्यूटी, ये लिखा हुआ है ना, इस पर ये एरो पे क्लिक करके यहाँ पर जितने भी लोगोज़ होंगे जो मुझे अट्रैक्ट करेंगे, मैं उनको जो है वो कोशिश करूँगी कि एडिट करके वहाँ पर अपनी एडिटिंग कर सकूँ। देर आर सो मैनी जो अट्रैक्टिव लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। लोगों का बहुत फ़ायदा होता है, सबसे पहली पोस्ट आप अपने इंस्टाग्राम पे यही करें, अच्छा सा एक लोगो बनाएं और उसको जो है वो वहाँ पे पोस्ट करें, और उसके बाद जो भी डील्स बनानी होती हैं उनको एडिट करते जाएं उसके साथ साथ, और देखते जाएं कि आपने जो है वो, मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने लोगों को अपनी डील पे, अपनी एड्स पे, चाहे वो प्रमोशन के लिए ऐड हो, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो, उसको वहाँ पर शो कैसे करवाना है ताकि लोग आपको रीच आउट करें, आपको जो है वो जितनी भी ऑडियंस आपके इंस्टाग्राम पे आए वो आपकी तरफ आए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी हैं, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। मुझे अभी तक कोई अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, कोई अच्छा सा ढूंढते हैं जो हम यूज़ कर सकें। बहुत सारे हैं, आप कोई भी उठा सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि कोई अच्छा ही मिल जाए ताकि मैं उसी को एडिट करूँ और आप लोगों को भी देखने में मज़ा आए, ठीक है। तो आई होप सो कि अच्छा इंशाल्लाह मिल जाएगा कोई। ये देखिए, आप यकीन करें इतने मज़े मज़े के हैं और बहुत अमेजिंग है। हर इंसान की चॉइस डिफरेंट होती है, हो सकता है ऊपर वालों में से किसी को कोई पसंद आ जाए, आप वो बना सकती हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगो ऐप्स के बारे में जानते हैं मुझे भी बताइएगा, और उनको यूज़ करके अपने लोगोज लाजमी बनाएं। वाओ, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए, जैसे ही आप जो पसंद आएगा उस पर क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही वो, अब यहाँ पे एड्स आते रहते हैं, बट दे आर नॉट काइंड ऑफ एड्स जो कि इरीटेट करें। अब ये देखिए, ये डाउनलोड हो गया, अब इसको मैं एडिट कर सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से। ये देखिए, जिस भी पिक्चर्स वगैरह को आपने मूव करवाना हो, छोटा बड़ा करना हो, वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये करती हूँ कि आपको लोगो बनाने का तरीका बताती हूँ, आप मुझे देखते जाएं, इसी तरीके को आपने फॉलो करना है, ठीक है। अब इसी के हिसाब से इसका हम साइज़ कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देती हूँ। थोड़ा ऊपर चला गया है, ये सेटिंग आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू आप अपनी चॉइस कर सकते हैं। अब यहाँ पे फैशन लिखा हुआ है, इसको मैं वैसे ही वो कर देती हूँ। यहाँ पे मैं अपना जो सोशल मीडिया का जो मेरा जो प्रोफाइल का नेम है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, जो है, जो कि है मरियम नूर ऑफिशियल,
ठीक है, अब ये ऐड हो जाएगा। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, इसका थीम कोई भी रखना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जस्ट मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये कलर आ रहा है, फ़ॉन्ट आ रहा है कि कोई भी आपने फ़ॉन्ट चेंज करना, अलाइनमेंट्स भी डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, ये देखिए सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट। अच्छा, कलर चेंज करना हो तो ये देखिए कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ये इतना वो भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है, अभी यही रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये देखिए साइज़ भी छोटा बड़ा करना आ गया, सारा कुछ आ गया। स्टिकर ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ये इंस्टाग्राम का मेरा है, अगर तो आपके पास कोई इस तरह की चीज़ पड़ी है, यहाँ से देख के भी आप लगा सकते हैं। बट मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इंस्टाग्राम का ना, यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया हुआ था तो मैंने डाउनलोड किया था। आप भी ऐसा करें कि मोस्ट रिसेंट ऐप्स में, सॉरी रिसेंट पिक्चर्स में जाएंगे या फिर गैलरी में जाएँ और डाउनलोड्स में जाके ये देखिए मैंने इसका आइकन जो है वो डाउनलोड करके रखा है। अब मैं इसी को वहाँ पे ले जाऊँगी। ठीक है, ये स्टिकर में जाके मैंने ऐड किया है। ये आप यहाँ पे भी कर सकते हैं एंड देन यू कैन, ये आप, आपको पता है आप तो मेरे से अच्छा बना लेंगे इंशाल्लाह। तो जिस तरह भी आप चाहें आप मेंशन कर सकते हैं, आप इसको ऊपर ले जाके भी कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको इधर रहने दें और ये वाला भी यहाँ पे मेंशन कर दें एक दफ़ा, ये तो ऐसे ही अच्छा लगेगा ना ऐसे। लेकिन अगर आप कोई डील बना रहे हैं तो इसको इंस्टाग्राम के तौर पे यूज़ करना है, जो कि आप शो करवाना चाहते हैं कि ताकि लोग आपको जो है वो वहाँ पर रीच आउट करें, तो आपको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अब इसको आप क्या करेंगे कि ये इफ़ेक्ट्स चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं किसी भी कलर का। यहाँ से ये देखिए हर तरह की डिफरेंट डिफरेंट यू नो, यहाँ से जितने भी बैकग्राउंड्स हैं आप अपनी मर्ज़ी से, मुझे क्लासिक वाला बहुत पसंद आता है, उनमें से जितने भी होते हैं मैं अक्सर इन इनको जो है वो एज अ बैकग्राउंड यूज़ करती हूँ। ये देखिए अगर मैं इसको यूज़ करती हूँ ना, आप खुद देखिएगा कितना ये बहुत ही मज़े का जो है वो इफ़ेक्ट आता है इसका। ये देखिए दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। इसी तरह फिर आप इसको डाउनलोड कर लें, यहाँ से आता है दो ऑप्शंस के सेव एज, आपने कैसे करना है, लोगो विद बैकग्राउंड जीपीजी और लोगो विद ट्रांसपेरेंट, आपने विद बैकग्राउंड कर लेना है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, अब एक तो ये कि ये डाउनलोड हो गया, अब इसको ऐड बनाना हो, ऐड के तौर पे यूज़ करना हो, पहले तो आप इसको अपलोड कर दें अपने इंस्टाग्राम पे जाके। अभी ये मेरा इतना अच्छा नहीं बना, जस्ट मैंने वीडियो के तो वीडियो में बना के दिखाया ताकि आप लोगों के लिए इजी हो। अब हम पता क्या करते हैं, हम जाते हैं, अब इसके अलावा मैं एक जो ऐप यूज़ करती हूँ वो है फ़ोटो कोलाज। देयर आर सो मैनी यू नो कोलाज बनाने के लिए ऐप्स, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से ये वाला जो लोगो मैंने डाउनलोड किया है, या फिर ये देखिए मोस्ट रिसेंट में आ गया ना जो कि मैंने डाउनलोड किया हो, ये देखिए अब ये आपका लोगो बना हुआ है। अब यहाँ पे आपने एड्स बनानी हैं जो कि आप अपलोड करना चाहते हैं, डील्स बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो हैं वो कोई भी पिक्चर लगानी हो तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले ऐड करते हैं, ये देखिए स्टिकर्स में जाके देयर आर सो मैनी यू नो थिंग्स जो आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन आता है, कोई भी आपने पिक्चर अपलोड करनी हो तो वो भी हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने अगर कोई ऐड बनानी हो, हम देख लेते हैं यहाँ पे अगर कोई भी पिक्चर अवेलेबल होगी तो हम उसी को लगा लेंगे। ठीक है, गैलरी में जाते हैं, अगर जैसे ये अब हमारे पास क्लींजर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे करोगे, वो आप अच्छी सी पिक्चर कोई भी डाउनलोड की होगी उसके हिसाब से आप उसको यहाँ पे रख के इसके नेम, इसकी प्राइस वगैरह, डील्स मेंशन करके टेक्स्ट कैसे ऐड करोगे, यहाँ से आप ए लिखा हुआ है ना टाइप समथिंग, ये कुछ भी आप लिखोगे, या फिर मैं जैसे लिख दूँगी कि अर्बन 3D गार्ड क्लींजर। ये देखिए अब इसका कलर चेंज करना हो, ये देखिए आप कोई भी कलर इसका रख सकते हैं। और इसके अलावा आपने इसको मज़ीद वो करने के लिए तो आप कोई भी ये थीम चूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड के तौर पर कलर टेक्स्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद आप जो हैं सिमिलरली इसको दोबारा एडिट करना चाहें तो ये वाले ऑप्शन पे आके एडिट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये है, इसके साथ आप कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप कोई भी बैकग्राउंड चेंज करना हो आपने तो आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। देर आर सो मैनी थिंग्स, मतलब एक तो ये ऐप है, इसी तरह की और भी बहुत सारी ऐप्स हैं। इसके अलावा अब मैं आपको तरीका बताती हूँ, सबसे जो कि कह लें कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने करना क्या, आपने जब भी अपना जो है वो प्रमोशन के लिए पोस्ट बनानी है ना, वो आप इन दोनों चीज़ों को भी यूज़ करते हुए बना सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बेस्ट वे बताती हूँ जो कि मैं नॉर्मली अब तकरीबन लास्ट 6 माह से यूज़ कर रही हूँ। होता क्या है कि जी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जब भी हमने पोस्ट करनी होती है हमने उसको किसी से शेयर नहीं करना होता, इससे पहले कि वो जो है
हमने किसी से शेयर नहीं करना होता उस पोस्ट को, ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो उसको रीच आउट करे, वो यूनिक रहे। अब यहाँ पे जो मैं मोस्ट कॉमनली यूज़ कर रही हूँ वो है कि www.canva। कैनवा के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ठीक है। ये देखिए www.canva.com, ये जो फर्स्ट पे ही आ रहा है ना, इस पर क्लिक करें तो आपको बहुत सारे डिज़ाइंस, बहुत सारे थीम्स, बहुत सारे लोगों के डिज़ाइंस, देर आर सो मैनी थिंग्स, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे आके आप कुछ भी एडिट करके, अगर आपकी स्टार्ट पे कुछ जो हैं वो चीज़ें डाउनलोड भी हो जाती है, कैनवा की ऐप भी है, कुछ लोग वहाँ पे क्रैकर वगैरह डाल के जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, उसको लॉगिन करके वहाँ से डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं, बट ये पेड ऐप है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ, क्योंकि मैंने वो किससे शेयर करना होता है, जस्ट मैंने अपनी ओरिफ्लेम उसमें या तो मैंने कोई ऐड बनानी होती है, या फिर मैंने क्या करना होता है कि मैंने जो है वो पोस्ट करनी होती है, तो मैं किसी से शेयर नहीं करती, फ़ौरन मैं पोस्ट अपनी इंस्टाग्राम पर करती हूँ, और वो पोस्ट मेरी कभी भी रिजेक्ट नहीं होती जब भी मैंने प्रमोशन करनी होती है। अब यहाँ पे बहुत सारी, आपको यकीन करें, अनगिनत जो हैं वो डिज़ाइंस, अनगिनत आइडियाज़ मिल जाएंगे। देखिए, सोशल मीडिया, प्रेजेंटेशन, वीडियो, मार्केटिंग, ऑफिस, एंड देयर सो मेनी थिंग्स। उसके बाद नीचे लिखा है, यू मे वॉन्ट टू ट्राई लोगो, पोस्टर, इंस्टाग्राम पोस्ट, प्रेजेंटेशन, योर स्टोरी, रेज्यूमे, यानी कि जो हम वो बनाते हैं अपनी, ठीक है, फ्लायर हो गया, कार्ड, ये बहुत सारी चीज़ें। बहुत अमेजिंग ये जो है ना कैलिंग की वेबसाइट है। अब यहाँ पे मैं ना कुछ डिज़ाइंस पे क्लिक करके आपको अपने डिज़ाइंस में लेके आती हूँ, जहाँ पे मैंने शायद कोई पोस्ट बनाई भी हुई हो, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये देखिए, जैसे ये मैंने पोस्ट बनाई है, ये मैंने सर्च आउट करके यहाँ से ही कोई थीम ढूंढा था, तो कोई 10-15 मिनट लगा के, और ये बहुत अच्छा थीम था, यकीन करें। आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो ऐड है उस पर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ना हो, बहुत ज़्यादा भरी भरी ना हो। अब ये भी कुछ टेक्स्ट इस पर मैं कहती हूँ कि इस पर भी कुछ ज़्यादा है, ये इससे भी आप कम कर सकती हो, और इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे ये, अब इसको मैं अगर एडिट करूँ, देखिए यहाँ पे वो यार हायरिंग है, यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे जाके आप इस टेक्स्ट को चेंज कर सकती हैं, ठीक है, कुछ भी लिखना। इसके अलावा आपने और जितनी भी एडिटिंग करनी हो वो भी देखें, डिलीट करना हो, डुप्लीकेट फॉन्ट स्टाइल है यहाँ से आपने निकालना होगी, देखें इतने मज़े मज़े की यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल्स हैं, आप कोई भी फॉलोअप कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे फॉन्ट साइज़ भी आप ठीक कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस टेक्स्ट का, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, स्पेसिंग, इफेक्ट्स, देर आर सो मैनी थिंग्स जो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के लिए होती हैं और वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखें, इस पे क्लिक करके इस टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं, पिक्चर ऐड की हुई है, इसकी जगह आपने नई पिक्चर ऐड करनी है तो आप रिप्लेस पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपने कहाँ से पिक्चर लेनी है, यहाँ से लेनी है या फिर अपनी इमेज से लेनी है, गैलरी से, मैं फ़ोटो पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो ऑनलाइन इनके पास फ़ोटो अवेलेबल होती है ना वो आ जाएंगी, ठीक है, आप उनमें से भी कोई ले सकते हो। अपलोड्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो यहाँ पे अपलोड मीडिया है इस पे क्लिक करके आपकी गैलरी से, डिवाइस से जाके आप कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकते हो। जैसे आपने एड्स बनानी होती हैं, डील्स बनानी होती हैं, देखिए फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको गैलरी के ऑप्शन दे देगा। ये देखिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करेंगे तो दे आर सो मैनी ऑप्शंस जो कि आप फॉलोअप करके लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक हो गया तरीका कि आपने पिक्चर कैसे अपलोड करनी है। सॉरी, ये तो बैक ही चला जाएगा, बैक जाने की ज़रूरत नहीं होती, उसी पे क्लिक करके आप जो है वो टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। और मज़े की बात, अगर आप जो हैं वो दरमियान में ही, यानी कि अभी लिख रहे थे, कोई और काम करने लगे, वो डिज़ाइन सेव हो जाता है वहीं पर जहाँ पर आपने छोड़ा होता है। ये बेस्ट पार्ट है, आपको पता है, वरना बाकी ऐप्स में ऐसा कुछ नहीं होता। आपने इसको चेंज करना है, कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो ये क्लिक पे, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये देखिए नीचे, अपलोड्स, फोटोज़, ड्रॉपबॉक्स, टेक्स्ट, ठीक है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में होता है कि आपने कौन से एलिमेंट्स ऐड करने हैं, शेप्स ऐड करनी है, ये देखिए जो कि अक्सर मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ, वो वाली यहाँ पे शो हो रही हैं। आप यहाँ पे सर्च करके अपनी मर्ज़ी की शेप, अपनी मर्ज़ी की कह लें कि जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दे आर सो मैनी टेक्स्ट के आइडियाज़। ये देखें, आप कोई भी यहाँ से जो है वो स्टाइल जो है वो फॉलो कर सकते हैं। देखिए, बहुत मज़े की ऐप है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आप डाउनलोड के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके, ये जो ऊपर एरो लगा हुआ है, डाउनलोड शेयर अ लिंक ईमेल, यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा मैं क्या करती हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ, क्योंकि मैंने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से डाउनलोड कर चुकी हूँ, तो अब मुझे यहाँ इससे ज़्यादा परमिशन नहीं है क्योंकि ये पेड ऐप है, ठीक है। अब मैं वेबसाइट से अक्सर कर लेती हूँ क्योंकि ऐप में मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ से पूरी हो जाती हैं।
आई होप सो कि आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो गया होगा यहाँ से जो मैंने वीडियो बनाई है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को एडिट प्रोडक्ट्स के बारे में डील्स वगैरह बनाना कैसे सीख सकते हैं। अब ये देखिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ कि लिस्ट वगैरह बनानी है तो उसका लोगो कैसे है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है उसके बारे में मुझे आइडियाज़ दे दें। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया उससे रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स होंगे ना वो मुझे निकाल के दे देंगे, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे बेस्ट लगेगा मैं उसको फॉलो कर लूँगी। ये देखिए इतने फॉर्म्स आ जाएंगे, मतलब बहुत मज़े की ऐप है, आप अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस इसको यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप सो कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। काइंडली जब भी आपने कोई पोस्ट बनानी होती है उसको किसी से भी शेयर करने से पहले खुद अपने जो आपने जिस पर्पज़ के लिए बनाई होती है उस पर्पज़ को पूरा किया करें, और कोशिश क्या करें किसी की एड्स किसी की डील्स अपने जो है वो इंस्टाग्राम पर मत लगाया करें, और डेली बेसिस पर कोशिश करें कि दो स्टोरीज पोस्ट करें, अपने व्हाट्सएप पर भी दो ही पोस्ट लगाएँ अपने इंस्टाग्राम पर, और दो तीन ही पोस्ट लगाएँ अपने जो भी आप यूज़ कर रही हैं, मींस के दो से ज़्यादा एक्टिविटी ना करें। और आप यकीन करें आपकी अच्छी ऑडियंस आएगी, रियल ऑडियंस आएगी, और वो लोग आएंगे जो कि आपको रियल में चाहते हैं कि आपसे ऑर्डर्स लें या आपको जो है वो रीच आउट करें। कोशिश करें कि अपना जो है वो जो आपका कंटेंट होता है उसको यूनिक बनाएं, क्रिएटिव बनाएं, और वो इसी तरीके से बन सकता है, थोड़ी सी एफर्ट लगती है। मुझे जब भी मैंने ऐड बनानी होती है एटलीस्ट मुझे आधा घंटा से 45 मिनट्स लग जाते हैं, ठीक है, और वो ऐड फिर ऐसी वैसी नहीं होती। आप यकीन करें अभी अगर मैंने ये वाली ऐड आपको दिखानी हो ना कि मेरी इस ऐड पे मुझे कितने लोगों ने जो है वो रीच आउट किया या फॉलोअप किया, आप लोग हैरान रह जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी हम इस पोस्ट को ढूंढते हैं, आप देखिएगा कि उस पोस्ट पे मुझे जो रीच आउट आया हुआ वो कितना है। अब यहाँ पे देखिए व्यू इनसाइट पे मैं क्लिक करूँगी ना, आप खुद हैरान होंगे कि ऐसा कंटेंट बनाने को दिल करता है। ये देखिए लाइक्स कितने, 224, 358 मुझे कमेंट्स आए हैं, 16 लोगों ने मेरी पोस्ट को शेयर किया, OMG 200, देर आर 200 पीपल हु हैव सेव्ड माई पोस्ट, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्टेंट। हालांकि इतनी कोई आला किस्म की पोस्ट नहीं है, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको कह रही थी कि इस पर भी अभी टू मच कंटेंट है, टू मच यू नो, अभी इस पर थोड़ा काफ़ी ज़्यादा वो हुआ है। तो आप कोशिश करें कि अच्छे अच्छे हैशटैग्स यूज़ करें, अच्छी पोस्ट बनाएं जहाँ पे लोग आपको रीच आउट करें और आपके कंटेंट को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, और उस पर जो है वो आपको ऑर्डर्स भी आएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप सो कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, एंड इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखें। और अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, इंस्टाग्राम के हैशटैग्स को यूज़ करना, इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस करना, इनके अबाउट भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई कि मैं वहाँ पे भी कोई ना कोई अच्छी सी वीडियो बना के अपलोड कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।